जहांगीरपुर इलाके में पूरी तरह से नियंत्रण में स्थिति। घटना को लेकर दिल्ली पुलिस का दावा, बीते दिन हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान हुई थी। अभी नहीं थमा जहांगीरपुरी घटना विवाद। गिरफ्तार आरोपियों के परिजनों ने थाने के बाहर किया हंगामा। अभी तक लगभग 14 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई घटना को लेकर अकबरुद्दीन ओवैसी का आया बयान। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई बोले, भगवा आतंकी शोभा यात्रा में बंदूकें तलवारें लेकर दिल्ली की सड़कों पर मचा रहे हैं। शिवसेना सांसद ने साधा भारतीय जनता पार्टी पर निशाना। संजय राउत बोले, दंगे और हिंसा पूर्व नियोजित और राजनीतिक रूप से प्रायोजित है। लाउडस्पीकर बैन मामले में घिरे राज ठाकरे ने किया अपना बचाव। मनसे चीफ बोले, लाउडस्पीकर मुद्दा धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है। बढ़ सकती है आरोपी आशीष मिश्र की मुश्किलें। आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर कल फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। अभी जमानत पर है गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा। गुजरात विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस की नजर। आज प्रदेशाध्यक्ष ने बुलाई बैठक। हार्दिक पटेल के आरोपों पर होगा मंथन। TMC ने इशारों में मोदी सरकार को घेरा। कहा, देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि बंगाल की जनता अंतिम फैसला। दिल्ली में बिगड़े हालात के चलते टला CM मान का दौरा। 2 से 3 दिनों के लिए टाला गया पंजाब के CM भगवंत मान का दिल्ली दौरा। दिल्ली आ रहे थे। फिर बढ़ सकता है कोरोना। देश में आज कोरोना के 1150 नए केस आए सामने, जिसके बाद देश में एक्टिव केस की संख्या 11,000।